तस्वीरें गोहाना की हैं, जहां लखीमपुर खीरी घटना में मारे गए 5 किसानों की याद में कलश यात्रा निकाली जा रही है। इस कलश यात्रा की शुरुआत सोनीपत से की गई। किसान नेताओं की माने तो लखीमपुर में मारे गए किसानों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, वो इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। जो कलश यात्रा है, जो 5 हमारे भाई शहीद हुए हैं लखीमपुर खीरी में, उनकी शहीदी को बेकार नहीं जाने जाएगा। पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश के आज हर जिला वाइज ये यात्रा चली हुई है, और ये यात्रा अभी ये गोहाना में आई है, और गोहाना में आज ये रुकेगी, और कल सुबह 10 बजे भैंसवान चौक से चलेगी। भैंसवान से उठी और रुखी, कठूरा, छिछड़ाना, फरोदा, बुटाना, ऐसे होते हुए पूरा हर जिले के लगभग हर गाँव में ये यात्रा जाएगी। और किसान और मजदूरों ने ये संकल्प लिया है, जब तक मिश्रा जैसे भ्रष्ट जो हमारे किसान भाइयों के अत्यारे को पद से नहीं हटवा देते, और ये हमारे 3 काले कानून रद्द नहीं करवा देते, MSP या गारंटिया कानून नहीं बन जाता, तब तक चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, वो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और लोगों में बड़ी जागृति हो रही है, बड़ा लोग इसमें शहीद हैं, ये 5 साथी जो शहीद हैं इनके ऊपर हर जगह फूल मालाएँ चढ़ाई और हमारा जलपान भी कराया, और उन्होंने ये पढ़ लिया कि भाई जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे और MSP को कानूनी दर्जा नहीं देंगे, 2020 बिजली बिल वापस नहीं होगा, लड़ाई जारी रहेगी, और शहीदों ने जो ये कुर्बानी दी है ये जाया नहीं जाएगी। एक एक आदमी शहीद हो जाएगा लेकिन उल्टे नहीं हटेंगे। और जिस तरह से ये कह रहे हैं, अब वो एक्सपोज भी हो गया कि जो षड्यंत्र रच रही है ये भारत सरकार कि भाई उन्हीं लोगों ने वो आदमी मार दिया, उनका अपना आदमी था, सरकार ने मरवाया है, और वो ताकि ये है कि ये संयुक्त किसान मोर्चे को बदनाम किया जा सके, एक्सपोज हो गया, क्योंकि वो जो नियंगों का लीडर है वो अपने इसके तोमर के साथ पूरी, और यही उन्होंने लखीमपुर में षड्यंत्र किया था, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, और वो ये लोगों को डरा के दबा के रखना चाहते हैं, और लोग ये ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड का आंदोलन हो चुका है, ये जब तक ये आंदोलन जो है ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, और जब तक ये काले कानून और ये वापस नहीं होंगे MSP, जब तक लड़ाई जारी रहेगी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। कुछ किसी के माध्यम से ये कह रही है कि एक कॉल की दूरी पर है, 10-11-12 की वार्ता होली, उसमें कोई डिसीजन नहीं दे रहे, हमारे द्वारा मैसेज करते हैं जनता द्वारा कि भाई एक कॉल की दूरी पर कुछ दे नहीं रहे, हमें MSP की गारंटी दे दो, काले कानून वापसी कर दो, और जो किसानों पर जो मुकदमे लगा रखे हैं, 36 बरादरी के भाईचारे पर जो मुकदमे बांधन लाग रही है भ्रष्ट सरकार, ये वापस ले लो, स्वामीनाथन लाग आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दो, और क्या चाहिए हमने, हमको सुख में थोड़े बैठे हैं, उड़े बारिश हमने झेल ली, सर्दी हमने झेल ली, गर्मी हमने झेल ली, टेंट हमारे फूकने लग रहे हैं, और हमें ये कह रहे हैं उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं, फलाना जीवी हैं, तेल की मार देख लो किसान पर क्या है, बरसात की मार देख लो, पेस्टिसाइड का देख लो, सब कुछ आसमान छू रहा है, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हमारे बाजरे का लिखा के देख लो, मंडी में जाके देख लो क्या भाव है, सरकार का क्या भाव है, ये देख लो भावांतर योजना में ला के दे रखा है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं, धान की बर्बादी देख लो, और फिर जो ये बात चल रही है बाजरे की, बाजरे का MSP आप उठा के देख लो के है, हर के किस रेट में वो खरीदने लग रहे हैं, खरीद भी नहीं रहे, और आड़ती खरीदते हैं, दाना मिल वाले ये लेके जा रहे हैं, ये हाल है किसानों का। किसानों का सरकार के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक उनकी सरकार से जंग जारी रहेगी, और वो अपना हिस्सा सरकार से लेकर रहेंगे, इसके लिए उन्हें चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। किसानों ने बताया कि लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए थे उनकी याद में सोनीपत से कलश यात्रा की शुरुआत की गई है, जो सोनीपत के गाँव व कस्बों में जाएगी। जो किसान शोक सभा में नहीं पहुँच पाए थे उन किसानों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए ये कलश यात्रा की शुरुआत की है। ये प्रदेश के हर जिले में कलश यात्रा की शुरुआत की है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।